हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शानू। आज हम बनाएंगे नाचो चिप्स, जो कि आटे से बने हैं। उसके लिए मुझे चाहिए परात, आटा गूंदने के लिए आटा, ये करीब 2 से 2.5 कप है, रात की बची हुई दाल, हाँ ये रात की बची हुई दाल, और नमक, बस और कुछ नहीं चाहिए। पानी चाहिए इसको गूंदने के लिए। अब हम परात में आधा आधा करके आटा डालेंगे और उसके हिसाब से ही हम धीरे धीरे दाल डालते रहेंगे। हमें आटा पूरा दाल में ही लगाना है, जितना हो सके हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि उसी से ही नाचो चिप्स अच्छे बनते हैं। अब मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। अब आप इसको मिक्स कर लीजिए और दाल भी धीरे धीरे डालते रहिए और साथ ही साथ आप इसका आटा गूंदते रहिए। ये देखिए, अब जैसे मैंने सारी दाल डाल दी है, ये रात की बची हुई मूंग की दाल है। आप कोई से भी दाल ले सकते हैं, तुअर की दाल ले सकते हैं, उड़द की ले सकते हैं, या वाइट दाल ले सकते हैं, कुछ भी दाल ले सकते हैं। और मैंने अभी मूंग की दाल ली है। अब आप इसको दाल में आटा लगा दीजिए। ये बचा हुआ आटा भी मैं डाल देती हूँ और अच्छा सा मुझे इसको गूंदना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको गूंदने में। इसको अच्छे से मॉइस्चर देना है और इसको थोड़ा स्टिफ़ बनाना है, मतलब आटा थोड़ा कड़क होना चाहिए। ये आप गूंदते रहिए आराम से आटा, इसको जब तक पूरी दाल मिक्स नहीं हो जाती है तब तक हमें ये आटा गूंदना है। ये देखिए, थोड़ी ही देर में आप देखिए ये आटा पूरी दाल में मिक्स हो गया है और हम इसको अच्छे से पंच एंड नीड ये वाला मेथड लगाएंगे, तो जिससे अच्छे हमारे नाचो चिप्स क्रिस्पी बनेंगे। और हाँ, ये देसी स्टाइल में मैं नाचो चिप्स बना रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब थोड़ा सा हम हथेली में तेल ले लेंगे और अच्छी तरह आटे पे लगा लेंगे। देखिए, इसको ऐसे लगाना है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इसकी लोई बनाऊँगी, तो आप ऐसे छोटा छोटा सिलेंड्रिक करके शेप में हमें इसको बॉल्स बनानी है, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी। रोटी लेते हो उससे आधा लोया लेना है। ये देखिए, पहले आप लोई बना लीजिए, फिर हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। आप ये सारी लोई बना के रख दीजिए, फिर हम इसे बेलेंगे। रोटी की तरह हमें एकदम पतली रोटी बेलनी है। मैंने सारी लोई बना दी है, मैंने पाटा ले लिया है, तवा ले लिया है और सूखा आटा भी ले लिया है। जितना आप सूखा आटा लगाते जाएंगे आपके नाचो चिप्स क्रिस्पी बनते जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, बस रोटी की तरह बेल लेना है। लोई ली, सूखे आटे में लगाया, फिर वापस मुझे इसको बेलना है। आप देखिए, जितना हो सके उतना पतला बेलना है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये नाचो चिप्स आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखिए, बिल्कुल पतले रोटी बनानी है, जितना हो सके उतना इसको पतला बेलिएगा। अब ये रोटी करीब बन चुकी है, अब मुझे इसको सेकना है। तवा गरम हो चुका है, हमें इसको रोटी को रोटी जैसा नहीं सेकना है, मतलब इस रोटी को सिर्फ़ और सिर्फ 20 से 30 सेकंड सेकना है। ज़्यादा इस पे वो जो काले काले धब्बे लगे हुए रहते हैं ना रोटी के, वो नहीं लगाने हैं, बस ऐसे ही सेकना है। 30 सेकंड तक सेकना है, ये ऐसी सेक जाएगी, यानी पूरी तरह से रोटी नहीं बनानी है, बस इस रोटी को गर्म करना है, फुलानी नहीं है रोटी। अब देखिए, ये हमारी रोटी हो गई है। अब इसको हम कट कर देंगे। आपको इसको ट्रायंगल शेप में कट करना है, एक रोटी के 4 टुकड़े हो जाएंगे, और आप ऐसे थाली में इसको सुखाने के लिए रख दीजिए। देखो, ये सारी रोटियां हो चुकी है, मैंने इसको ट्रायंगल शेप में काटा था नाचो चिप्स जैसे। अब देखिए, अब मुझे इसको ऐसे ही थाली में रखना है 9 से 10 घंटों के लिए, फिर उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। आप इसको देखिए, 9 से 10 घंटे हो चुके हैं, हमारी रोटियां थोड़ी सी सूख चुकी है, पूरी नहीं सुखानी है, बस थोड़ी सी सुखानी है, पूरी इसको सुखा के कड़क नहीं करनी है, उसका टेक्सचर रोटी जैसा ही होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट। देखिए आप, मैंने अब यहाँ पे है ना ये रोटियां ली है और चाट मसाला लिया है, चाट मसाला फ्राई करने के बाद ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए।
तेल मैंने गरम रख दिया है कढ़ाई पे, इसको गरम होने देते हैं। बहुत तेज़ गरम भी नहीं करना है, बस हमें फ्लेम हाई टू मीडियम रखनी है। और जब हमारा तेल गरम हो जाए तब हमें इसमें रोटियां डालनी है। एक बार में 5 से 6 रोटियां आप डाल के इसको तल लीजिए, और तलने में करीब 20 सेकेंड या 30 सेकेंड लगते हैं, बस ज़्यादा नहीं टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़ी सिक्की भी होती है रोटी, इसलिए टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग कम है। अब आप इसको फ्राई कर लीजिए। फ्राई भी हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है। बस अब जैसे 30 या 20 सेकेंड हो जाते हैं, अब हमें इसको निकाल लेना है। थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये देखिए पूरा तेल निकाल देना है, और हमें ये अलग थाली में ले लेना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, सिर्फ 20 से 30 सेकेंड लगते हैं एक को फ्राई करने में। ये देखिए फिर मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ। अब आप इसको वैसे ही फ्राई कर दीजिए, लो मीडियम पे नहीं करना है। अगर लो मीडियम पे करेंगे तो ये अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगे, हाई टू मीडियम रखना है। अब आप इसको फ्राई कर लीजिए सारे नाचो चिप्स को। इसी तरह से सारे चिप्स को आप फ्राई कर लीजिए। गेहूं के आटे का बना हुआ है इसलिए ये अनहेल्दी भी नहीं है, ये हेल्दी है। बच्चों को खिलाइए, आप खाई चाहिए एज ए स्नैक, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए हमारी रोटियां सारी तल चुकी है, हमारे नाचो चिप्स तैयार हैं। अब मैं इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर लूँगी। अच्छे से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए और आप इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, जैसे 3 से 4 साल के बच्चों के लिए, तो आप इसमें चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कितना क्रिस्पी है, कितना क्रंची है। इसलिए फ्लेम का ध्यान रखना है, बस हमें हाई टू मीडियम फ्लेम रखनी है, लो मीडियम नहीं रखनी है। ये देखिए हमारे चिप्स रेडी है, सर्व कीजिए इसको सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। हैव अ बाइट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स टोटली फ्री। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।